ये देखो दोनों एक साथ सोए हुए मस्त, मम्मी और बच्चा, तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे हमें थोड़ा सा अंधेरा। हे बॉस व्हाट्सअप, क्या खबर, ऑल गुड। अभी एक्चुअली अभी इतना ज़्यादा लेट हो गया ना आज मेरा, मुझे लग रहा है कि मेरा दिन खराब जाने वाला थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है लिटरली 12 बजने में आज भी उठा हूँ। और घर में जब भी रह रहा हूँ ना, जितने दिन भी कॉलेज जा रहा हूँ तब तो जल्दी उठना पड़ता है, नहीं तो जा नहीं सकेंगे, लेकिन जितने दिन भी घर में नॉर्मली रहता हुआ सैटरडे है तो उस दिन उठना होता ही नहीं है, रात को इतना देर तक जगा रहता हूँ, सुबह को उठने में दिक्कत हो जाता है, तो ये थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा मेरे ख्याल से लग रहा है। और आज वेदर काफ़ी सही है, इतना बढ़िया ब्राइट वाला वेदर, बिना धूप के, उतना तेज़ धूप भी नहीं उठा है लेकिन इतना ब्राइट लाइट है, देखो बाहर, ये बहुत दिनों बाद दिखा है। कर चलो एक बार पहले छत में चलते हैं, है ना, छत में चल के देखते हैं इस वेदर का पहले पहला मज़ा लेते हैं कि कैसा बढ़िया वेदर है। यहाँ से तो उतना भी ज़्यादा खुल के नहीं दिख रहा है, वेदर देख सकते हो बाहर का कितना स्वीट एंड डिलाइटफुल है ना। इस साइड में चलते हैं, मैं इधर से इधर कूद रहा था, मस्त है। देखो इधर काफ़ी बढ़िया है, एकदम मज़ेदार वाला, सूरज उस टाइप पे है उधर ऊपर लेकिन दिख नहीं रहा है फिलहाल। खैर ठीक है, सूरज दिखेगा तो और भी ज़्यादा तेज़ धूप होगा, और उतने तेज़ धूप में ये बरसात का महीना चल रहा है तो मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत कम धूप ही सही है। अभी का वेदर जो है वो एकदम परफेक्ट ब्यूटीफुल वेदर है एकदम। वो देखो पंछी उड़ते हुए जा रहा है, मैं अभी चलता हूँ नीचे कैफे में चलते हैं, बाहर निकलने का भी प्लान हो सकता है क्योंकि सैटरडे है तो 12:30-1 बजे के बाद हम लोग थोड़ा सा घूमने के लिए निकलते हैं, बाज़ार भी जाना हो सकता है, फिलहाल कुछ पता नहीं मुझे, मैं अभी अभी जस्ट उठा हूँ ना, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है, तो थोड़ा माहौल के साथ घुल मिलते हैं, उसके बाद कहीं निकलने का होगा निकलेंगे। लेकिन वेदर काफ़ी सही है, देख के मज़ा आ गया, निकलने का वक्त हो चुका है और वेदर काफ़ी सही है, वेदर तो सही ऊपर से भी पता चल रहा था लेकिन बाहर निकलते वक्त पता चल रहा है कि हवा भी मस्त है। ये गेट मेन और चलते हैं, थोड़ा बहुत काम कल के पास में ही हूँ, बवायदा के दुकान से कुछ सामान लेना है, सुपुदा ले रहा है, मैं बाहर घूम रहा हूँ, बैग मेरे पास है, बवायदा सामान दे दे फिर लेके चलेंगे। और ये जो टैंक है कितना हाइट है देखो इसका, इसके अंदर चढ़ने का मन तो है लेकिन अभी चढ़ा नहीं जाता, पहले जब बन रहा था ना तब चढ़ा जा सकता था, तब हम लोग छोटे थे बहुत, अभी खुला नहीं होता है, चढ़ेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी लेकिन बाद में कभी मौका मिले तो चढ़ेंगे जरूर, क्योंकि बहुत ऊँचा है, देख सकते हो नया नया कलर भी बना है, ब्लू और वाइट जो कि सरकारी कलर है। हमारा है बाइक, अभी जो सामान लिए थे वो छोड़ने के लिए आए थे, बहुत भारी था, 15 kg का था, अभी चलते हैं। कुछ भी हो रहा है हमारे गली के अंदर, कल बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हो गया था, टोटो का पूरा लाइन लग गया था क्योंकि मेला चल रहा है ना, बहुत लोग आ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइन लगा था कल रात, फिर वहाँ से कुछ खेल हो रहा था, चलो अभी सुबह आ जाए फिर हम लोग निकलते हैं थोड़ा सा घूम के आते, वेदर भी है घूमने वाला है ना। अंदर घुस गया, ये लेने गए थे, ये भी लेना हो गया, और देखो आते ही बाहर बारिश स्टार्ट हो चुकी है, ऊपर से साउंड आ रहा होगा, बाहर बारिश चालू हो गया, हम लोग अंदर आ गए, ये मेन बात है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लीपर हो गया, जगह पानी डालना पड़ेगा मुझे, चलो अंदर चलते हैं, एक चीज़ दिखा रहा हूँ, दिख नहीं रहा नहीं, ये देखो दोनों एक साथ सोए हुए मस्त, मम्मी और बच्चा, तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे हमें थोड़ा सा अंधेरा है क्योंकि बाहर बहुत ही ऐसा, तो मैं अभी थोड़ा सा भीग गया हूँ, और ज़्यादा तेज़ बारिश हो तो बारिश रुकेंगे उसके बाद में, है ना, यानी कुछ ऐसा ही है, देखते हैं। बारिश हो तो रहेगा इस अभी थोड़ा बहुत भीगने लायक, तो भीग गए है ना, मनी प्लांट यहाँ पर रखा हुआ है, बारिश ठीक ठाक ही हो रहा है, लग रहा है कि शायद इसी तरह से थोड़ा तेज़ बाद में हो सकता है, मैं अभी से भीगना स्टार्ट करता हूँ, नहाने में अभी टाइम है, नहाने से पहले थोड़ा सा भीग लेते हैं, है ना, बारिश मेरे ख्याल से इधर देखोगे तो पता चलेगा कि काफ़ी सही हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, इस टाइम पे मौका मैं चौका मार लेता हूँ क्योंकि बीच में अगर बंद हो गया तो भीगना मिस हो जाएगा मैं। बारिश में अभी अभी मैं जो भीगा हूँ गाइस, मज़ा आ गया एकदम, मतलब बहुत दिनों के बाद इतना बारिश में भीगा, इससे पहले 10-15 दिन पहले शायद यहाँ पे 20 दिन पहले भीगा था, तब जो है तब कुछ अलग ही टाइम चला था, निम्नोचाप हो रहा था, और इस टाइम पे असली बरसात का बारिश हुआ है आज काफ़ी दिनों के बाद, मज़ेदार, मतलब थोड़ा बहुत बारिश तो हो रहा है हर दिन लेकिन आज बहुत तेज़ बारिश हुआ, वापस आने के बाद छत में जाकर मस्त भीग रहा था, और उस चक्कर में तब वीडियो बनाने के चक्कर में फ़ोन में थोड़ा सा पानी चला गया, अभी देखते हैं कि उसका क्या किया जाए, मतलब यूएसबी पोर्ट में थोड़ा सा पानी चला, तो अभी नोटिफिकेशन ऐसा आ रहा है कि उसको पहले क्लियर करो, वो भी कोल्ड लेयर से, मतलब ड्राई उसका इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है लेकिन कोल्ड लेयर से, हॉट एयर से नहीं, तो ड्रायर में अभी मेरे पास जो ड्रायर है उसमें कोल्ड लेयर नहीं आता, उसमें सिर्फ हॉट एयर आता है,
देखते हैं, कुछ जुगाड़ बनाते हैं, उसके बाद उसको सही तरीके से ठीक किया जा सकता है कि नहीं वो देखते हैं। ठीक करना ज़रूरी है कि नहीं, अगर ठीक हुआ ऐसे तो एक तो बहुत मतलब जुगाड़ वाला चीज़ है जो टोटका कहते हैं जिसको, जिसका मतलब मेन काम होता है कि चावल के अंदर घुसा दो, एक दिन रखना पड़ता है, उससे सब चीज़ें ऑलमोस्ट अंदर जितना भी पानी जाता है वो सही हो जाता है, वो लास्ट वाला ऑप्शन है, लेकिन उससे पहले अगर सही होगा तो बढ़िया। तो अभी वेदर तो अभी इस टाइम पे काफ़ी सही है, हम मस्त, अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुआ था काफ़ी बढ़िया, तो वेदर तो काफ़ी मस्त है और बढ़िया बारिश, मतलब कि बहुत तेज़ बारिश हुआ था, इसी कारण से हवा भी अभी ठीक ठाक है, उतना ज़्यादा गर्माहट नहीं है, हवा में भी थोड़ा बहुत ठंडा ठंडा भाव है। तो अभी खाना खाने का टाइम हो चुका है और देखते हैं पहले खाना खा लेते हैं, मम्मी अभी तक आई नहीं है, मम्मी नीचे होंगी शायद, मम्मी को आने देते हैं फिर खाना खाएंगे, बाल तो पूरे भीगे हुए हैं, बाल सूखने देते हैं, उसके बाद कंघी करेंगे, अभी नॉर्मली कुछ नहीं किया हुआ है। अभी थोड़ी देर मैं यहीं पे बैठता हूँ, यहाँ पे मस्त बाहर से हवा आ रहा है, यहाँ पे बैठ के इंजॉय करता हूँ बाहर का व्यू। गाइस सुनाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन क्या गाना बज रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों को शायद सुनाई ना दे, लेकिन ये जो गाना बज रहा है मैंने कभी नहीं सुना, कल जैसा कि आप बॉलीवुड का गाना बज रहा था कुछ कुछ, तो कल वाला गाना सुना है मज़ा आ रहा था, लेकिन आज वाला गाना ना बॉलीवुड का गाना है, ना ही टॉलीवुड मतलब बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का गाना है, ना ही हमारे फोक सॉन्ग जो होते हैं पुरुलिया साइड के इधर उधर, वो वाला भी कुछ नहीं लग रहा है, कुछ अलग ही टाइप का बाउल सॉन्ग भी नहीं लग रहा है, किस चीज़ का गाना है मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया। खैर छोड़ते हैं, मैं नीचे चलता हूँ कैफे में, क्योंकि टाइम हो रहा है अभी 6:45 से ऊपर हो चुके, 7 बजने वाला है और अंधेरा भी बाहर ऑलमोस्ट हो ही चुका है, बाहर देख ही सकते हो, तो मैं चलता हूँ नीचे, थोड़े बहुत कैफे में काम भी हो जाएगा और उसके बाद सूर्य सर का वीडियो भी देखना है, कल तो नहीं आया था लेकिन आज आया हुआ है, तो वो भी देखेंगे, उसके बाद मौका मिल के निकलेंगे। अरे तो ये फ़ैन बंद करता हूँ जो कि रिमोट कंट्रोल से हो जाएगा, बंद हो गया, चलो अभी चलते हैं नीचे। तो गेट कुछ इस तरीके का लगता है, एकदम मस्त, और यहाँ पे तो पानी जमा होता है हमेशा ही, रोड काफ़ी बढ़िया है ना हमारे यहाँ पे, देखो पीच का रोड है फिर भी पानी जमा होता है, मस्त मज़ेदार। गेट जो लग रहा है ना मेरा आँखें धुंधला जा रहा है, इतना ज़्यादा ज़्यादा ही ब्राइट लाइट है, और साउंड तो देखो काफ़ी मस्त आ रहा है, क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, जैसा कि मैं लास्ट दिन बोल रहा था कि हमारे प्लेटफॉर्म में जैसे अनाउंसमेंट होता है वैसा ही कुछ है। चलो बाबा जी के दुकान में चलेंगे कुछ सामान लेके आना, समय थोड़ा बहुत हुआ है, मतलब उतना भी नहीं हुआ है लेकिन ठीक ठाक हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 11 बजे और मेले का साउंड अभी, मतलब मेले में जो माइकिंग हो रहा है उसका साउंड अभी तक आ रहा है, हालांकि हर दिन नहीं होता, 10 बजे के बाद वो बंद हो जाता है, माइक बंद हो जाता है, मेरा शायद थोड़ा बहुत चलता है लेकिन माइक बंद हो जाता है, लेकिन शायद अभी 2-3 दिन के बाद मेला ख़त्म होने वाला है, कल या फिर परसों तक लास्ट टाइम मेला, उसके बाद ख़त्म होने वाला है, इसीलिए शायद थोड़ा ज़्यादा देर तक मेला चला रहे हैं। पहले क्या होता था यहाँ पे मैरिज हॉल नहीं था तो सीधा वो ग्राउंड दिखता था, अभी बीच में मैरिज हॉल आ चुका है, ग्राउंड दिखता था, यहाँ से देख के तो पता नहीं चलेगा लेकिन साउंड थोड़ा बहुत आ रहा है उससे पता चल रहा है कि मेला शायद अभी तक है, क्योंकि जो स्टेज है उसमें प्रोग्राम होता है उसमें माइकिंग अभी भी चल रहा है, वही मेरे ख्याल से वही बात है। तो अभी टाइम तो काफ़ी हो चुका है मेरे ख्याल से, मैंने दिखा अभी 11 बज रहा है, काफ़ी मतलब उतना भी काफ़ी नहीं है, मैं इतना जल्दी तो सोता नहीं हूँ, लेकिन घर में खाना देख सकते हो, बाहर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, मतलब सारे सो गए, मैं भी थोड़ा लेट लेता हूँ अभी यहीं पे, मतलब यहीं पे सोता हूँ मैं, थोड़ा मैं भी फन कर लेता हूँ, एक दो कुछ काम बाकी है वो भी करना है, कॉलेज तो वैसे मंडे को है, कल संडे है, तो कॉलेज का भी एक दो काम बाकी है, सीनसी कोडिंग वो बाद में करेंगे, अभी उसके लिए टाइम तो आखिर टाइम में करेंगे। देखो गाना सुनाई दे रहा है, गाना उधर ही बज रहा है, उसका मतलब कि अभी मेला चल रहा है, मैं भी थोड़ा बहुत काम करता हूँ, सोते हैं, पानी वानी पीते हैं सब कुछ, तो फिलहाल इंसान ही हो गए, सुनते हैं, देखते हैं।